दोस्तों नमस्कार, मैं असम मंगलिया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 2024 के बाद बीजेपी बौखलाई है और जिस तरह से बीजेपी के अंदर डर का माहौल पैदा हुआ है, उसके बाद ढोंग के बाद ढोंग करना शुरू कर दिया। एक खबर ये निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ के अंदर राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर दिया और उसके खिलाफ जो राहुल गांधी ने संसद के अंदर जो हिंदुओं पर बोला था कि जो बीजेपी पार्टी है वो हिंदू कभी नहीं हो सकती है, बीजेपी जिस तरह से बीजेपी का एजेंडा है, जिस तरह से बीजेपी जो प्रोपोगंडा फैला रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, उसको लेकर जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि ये लोग जो हैं ये हिंदू कभी नहीं हो सकते, उस बयान को पकड़ के इस तरह से बैठ गए हैं कि अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और तरह तरह के कई तरह के प्रोपोगंडा के साथ मीडिया के साथ मिलकर के झूठ को परोसना शुरू कर दिया है बीजेपी ने। जिस तरह से राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर काट सांट करके जो पिछले 10 सालों में भी करते आए हैं उसको लेकर अभी तक रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से वो और इस तरह से डर गए हैं, इसके पास झूठ के अलावा कोई हथियार नहीं बचा तो उसी चीज को पकड़ के बैठ गए हैं। दोस्तों आज की खबर गोदी मीडिया में छप रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ कल राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया है कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जनता सारी जान चुकी है। मैं आपको गोदी मीडिया के वीडियोस के अंदर जो कमेंट आए हैं उस कमेंट को आपके सामने रखूंगा, जनता ने उसको क्या जवाब दिया है। जनता सब जान चुकी है बीजेपी का जो प्रोपोगंडा है वो अब नहीं चलने वाला है। दोस्तों आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि काफी टाइम हो गया, लगभग 10 दिन होने जा रहा है, उस बयान को अभी तक बीजेपी जो है पकड़ कर बैठ चुकी है, उसको छोड़ने का नाम तक नहीं ले रही है और तरह तरह के प्रोपोगंडा के साथ फैलाना शुरू कर दिया है। तो ये है जी न्यूज की थंबनेल, आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव पारित। अब इसी वीडियो के अंदर एक व्यूअर्स लिखते हैं कि अबे झूठ क्यों बोलते हो, राहुल गांधी ने बीजेपी वाले हिंदुओं को कहा है, ये सच क्यों नहीं बताते। अब इसी वीडियो के एक व्यूअर्स और लिखते हैं कि जब बीजेपी सरकार आई है तब से राहुल गांधी के खिलाफ ना जाने कितना मुकदमा दर्ज किए हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है, सच के सामने झूठ हार जाता है। सच तो यह है कि राहुल गांधी से बीजेपी वाले डरते हैं। तीसरे व्यूअर्स लिखते हैं कि राहुल गांधी जी ने धर्म के ठेकेदारों के लिए बोला था, मैं भी गांधी के साथ ही हूँ। चौथे व्यूअर्स लिखते हैं कि बीजेपी झूठ का पुलंदा है, बयान केवल बीजेपी के लिए था, किसी के लिए नहीं, राहुल गांधी और इंडिया अलायंस जिंदाबाद। तो दोस्तों इस तरह से गोदी मीडिया के जो वीडियोज होती हैं उसके ऊपर जो लोगों का जो ऑडियंस होती है उसका जो पॉजिटिव राहुल गांधी के प्रति और कांग्रेस के प्रति जो कमेंट आ रहे हैं उसको लेकर और उसको देखते हुए किस तरह का माहौल लग रहा है, चाहे बीजेपी कुछ भी कर दे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।